हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। सो टुडे वी विल लर्न द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन के जो जो कॉज है और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से हम उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉजिटिव फैक्टर, वेदर इट इज़ कार्डियक और रेस्पिरेटरी और लोकोमोटर और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और साइकोलॉजिकल, दिस ऑल कॉजेस कैन कॉज चेस्ट पेन। तो उसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिम्टम्स वाइज लिखते हैं। तो लोकेशन, कार्डियक चेस्ट पेन जो होगा इट विल बी लोकेटेड इन सेंट्रल एंड इट विल बी डिफ्यूज सेंट्रल, यानी ये जो स्टर्नम बोन है उसके पीछे, और डिफ्यूज यानी कि एक बड़ा एरिया वो कवर करेगा। वेर एज नॉन कार्डियक जो होगा वो पेरिफरी में और लोकलाइज्ड होगा। ओके, तो पेरिफरल पार्ट में, और यू कैन लोकलाइज इट ओके विथ अ टिप ऑफ फिंगर और अ प्रोमिनेंट स्मॉल एरिया। नाउ रेडिएशन, तो पेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं, उसको कहते हैं रेडिएशन। अगर जाता है तो उसको कहते हैं रेडिएशन। तो कार्डियक चेस्ट पेन होगा इस्टिमिक या इनफार्क्ट का, तो वो जॉ, नेक, शोल्डर, आर्म और कई बार बैक में रेडिएट होता है। वेर एज नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है वो कहीं जगह पे हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। नाउ कैरेक्टर कैसा होगा, तो कार्डियक चेस्ट पेन है वो टाइट, स्क्वीजिंग एंड चोकिंग काइंड का होगा। बहुत ही टाइटनेस लगेगी, स्क्वीजिंग सेंसेशन आएगा, घबरामण जिसको कहते हैं। अब ये घबरामण वर्ड जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है, ये गुजराती डिक्शनरी का वर्ड है। तो टाइट, स्क्वीजिंग एंड चोकिंग, जैसे कि कुछ अटक गया हो, ऐसा सेंसेशन आता है पेशेंट को। वेर एज नॉन कार्डियक जो है वो शार्प होगा, स्टैबिंग होगा और कैचिंग होगा। नाउ प्रेसिपिटेशन यानी कि पेन कब होगा, तो कार्डियक इस्टिमिक जो पेन है वो एक्सर्शन यानी कि कोई फिजिकल वर्क पर, या फिर इमोशन यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गंभीर या सैड हो जाते हैं, ऐसे मेंटल कॉजेज के कारण वो प्रेसिपिटेट होता है। वेर एज नॉन कार्डियक पेन जो है वो स्पॉन्टेनियस कभी भी हो जाता है, पोस्चर के रिलेटेड होता है या फिर रेस्पिरेशन के रिलेटेड होता है। अगर आप बैंड हुए हो कोई चीज़ उठाने के लिए तो हो सकता है। अगर विंटर में आप थर्मल वेयर नहीं पहनते और ऐसे ही बाहर घूमने निकल पड़ते हो, तो कई बार क्या होता है कि मसल्स अफेक्ट हो जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और चेस्ट के जो मसल्स है वो, तो तब उसमें जो पेन होगा, तो क्या होगा कि जब हम सांस लेंगे तब पेन होगा, सांस छोड़ेंगे तब पेन नहीं होगा। तो इट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय रेस्पिरेशन एज वेल एज जब भी प्लूराइटिस जैसी कंडीशन हो या प्लूरल इफ्यूजन हो, तब भी ऐसा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। नाउ रिलीफ कब मिलेंगी, कार्डियक पेन जो है वो रेस्ट पे रिलीफ मिलेगी, और नाइट्रेट्स ये मेडिसिंस अगर हम देंगे तो कार्डियक पेन रिलीव होता है। नाउ रेस्ट और नाइट्रेट से जो नॉन कार्डियक पेन है वो जनरली रिलीव नहीं होते। देन एसोसिएटेड फीचर्स क्या हो गए इसके, तो कार्डियक पेन होगा तो जनरली ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी। नाउ नॉन कार्डियक पेन होगा तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए, जैसे कि मैंने कहा प्लूरल इफ्यूजन हुआ और वो बहुत सारा हो गया है, तभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स लाइक गैस, एसिडिटी, ये होगा। लोकोमोटर, जैसे कि मैंने विंटर का एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा अगर जिम में आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली, कोई वेट, भारी वेट उठा लिया, तो उसके रिलेटेड आपको पेन हो सकता है। साइकोलॉजिकल, रिसेंटली मालूम पड़ा है कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। सो दिस वॉज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू दिस ऑल फीचर्स। नाउ वी विल सी द कॉजेज ऑफ कार्डियक चेस्ट पेन एंड नॉन कार्डियक चेस्ट। सो नाउ वी विल लर्न कॉजेज ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल चेस्ट पेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल चेस्ट पेन। तो जैसे कि हमने देखा, एंग्जाइटी एंड इमोशन कैन कॉज सेंट्रल चेस्ट पेन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इस्चीमिया, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, एज वेल एज माइट्रल वाल प्रोलैप्स।
हार्ट के रिलेटेड जो भी सारी कंडीशंस है, दे कैन कॉज सेंट्रल चेस्ट पेन। हम जानते हैं कि हार्ट जो है वो स्टर्नम के पीछे होता है, थोड़ा जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो जनरली चेस्ट के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड जो भी पेन होगा वो सेंट्रली लोकेटेड होगा। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्टीमिया, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड माइट्रल वाल प्रोलैप्स विल कॉज सेंट्रल चेस्ट पेन। नाउ ईसोफेगस के कौन कौन से कॉजेस है? तो फर्स्ट इज ईसोफेजियल स्पाजम एंड ईसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस। स्पाजम और इन्फ्लामेशन दोनों की कंडीशन में सेंट्रल चेस्ट पेन होगा, क्योंकि ईसोफेगस का लोकेशन उस तरह से होता है। एक और चीज है मैलरी वेज सिंड्रोम, उसमें भी सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। नाउ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर है तो इट कैन कॉज सेंट्रल चेस्ट पेन। इसके अलावा मीडियास्टिनम में कौन कौन से कॉजेज है? तो ट्रेकियाइटिस, हम जानते हैं ट्रेकिया जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, ट्रेकियाइटिस के कारण। और मीडियास्टिनम में अगर कोई भी मैलिग्नेंसी हो, कैंसर की कंडीशन हो, तो सेंट्रल चेस्ट पेन होगा। नाउ पेरिफेरल चेस्ट पेन कौन कौन से कारणों से होता है? सो लंग्स और प्लूरा के कारण है। सबसे पहले पल्मोनरी इन्फार्क्ट, कहीं भी पल्मोनरी सिस्टम में इन्फार्क्ट होगा तो वो पेरिफेरल चेस्ट पेन करेगा। न्यूमोनिया हम जानते हैं, लोबार न्यूमोनिया होता है, ब्रोंको न्यूमोनिया होता है, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया होता है। तो लंग्स जो है वो थोड़े पेरिफेरी में सेट है, तो वो पेन जो है, प्लूरा लंग्स के बाहर की परत है, तो लंग्स पेरिफेरी में है, प्लूरा उसके बाहर है, तो वो जो पेन होगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन वो जनरली पेरिफेरल ही होगा। तो पल्मोनरी इन्फार्क्ट, न्यूमोनिया, देन न्यूमोथोरैक्स, कार्सिनोमा, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये सारे डिजीज में पेरिफेरल चेस्ट पेन देखने को मिलता है। नाउ मस्कुलोस्केलेटल अगर कोई डिजीज या कंडीशन है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिब फ्रैक्चर, इंटरकोस्टल मसल इंजरी, तब भी पेरिफेरल चेस्ट पेन होता है। नाउ न्यूरोलॉजिकल कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, देन हर्पीस जोस्टर, कि जो एक इन्फेक्शन है, ये कंडीशन में पेरिफेरल चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो आप इस हिसाब से खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए और जांच करवाए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पेरिफेरल चेस्ट पेन भी होता है और पेशेंट बहुत टेंशन में रहता है कि अगर उसको हार्ट अटैक आ गया तो एंग्जाइटी होने लगती है। नाउ दैट पेरिफेरल चेस्ट पेन विल गिव एंग्जाइटी विच विल गिव सेंट्रल चेस्ट पेन, ऐसा भी देखने को मिलता है। जब भी हम ECG या 2D इको कराते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि कार्डिया कॉज है ही नहीं। नाउ तो चेस्ट पेन को डायग्नोस करने के लिए हार्ट और लंग्स के जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जनरली चेस्ट एक्सरे कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराना पड़ता है, 2D इको कराना पड़ता है। हर्पीस जोस्टर जो है उसके ऐसे लीजन्स होते हैं कि वो कोई एक नर्व रूट को पकड़ता है और नर्व रूट में भी वहाँ उसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, लीजन्स देखने को मिलते हैं। लीजन्स के बीच की जो स्किन है वो नॉर्मल होती है। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग चेस्ट पेन। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।